अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो गुड मॉर्निंग तो रेडी हुई है हमारी, तो चले वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस हमने अभी जो है मशीन पीछे देख सकते हैं आपने लोड किया हमने, तो अभी हम जा रहे हैं काम पे। ये मेरा साथ में दोस्त भी बैठा हुआ है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा दोस्त है और हम जो है काम पे जा रहे हैं। अभी हम काम वाली जगह पे जाके आपको मिलते हैं, बाकी लव यू हो गया। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे काम पे आए हुए हैं। ये काम कर रहा लड़का मेरे साथ और ये लड़के बैठे हुए हैं कंपनी के। उसके बाद ये देख सकते हैं ये गाड़ी खड़ी हुई है जो लोड करनी है। ये देखें वो लोड करने लगा गाड़ी, और ऐसे लोडिंग होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी हम लोड करके, फिर वो हमारी पीछे गाड़ी खड़ी है उस पर लोड करके मशीन को वापस लेके जाएंगे। तो चले मिलते हैं हम आपको रास्ते में। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसा है? सब लोगों को मेरी तरफ से सलाम है। और मैंने काम ख़त्म कर दिया और साथ में ये मेरा सत्य वाला उस्ताद बैठ रही है, ये हमारा बाकट है। अगर हाँ ये नज़र पे आ गया और अभी हम लोग रूम में चले जाएगा, फिर देखेगा कुछ रोटी मोटी बना देगा, खा लेगा, नमाज पढ़ेगा। इधर और क्या है, काम ख़त्म करके जाके फ्रेश होके फिर जो है ना खाना वाना बना के खा के नमाज पढ़ के आराम से नौम कर दे। हेलो जी गाइस, जिदा तुम देख सकते हो असं घर आ गए हाँ, तो असं हूँ जरा जा रहे हैं रूम वाले। तो यह कोई दोस्त आ रहे हैं अगे, तो यह कह रहे हैं असं भी वीडियो चाहना है। तो लो जी यह देख सकते हो जी, यह दोस्त आ रहे हैं, तो ये भी जा रहे हैं ड्यूटियां। तो असं हूँ जरा चले घर न, मिलने बाद लव यू। हेलो जी गाइस, जिदा देख सकते हो असं इतने रोटी बनाने आ चुके हैं, तो हूँ अस रोटी बनाने बहाने की करने। तो जी दोस्तों, जिदा तुम देख सकते हो साड़ी पहली रोटी बन चुकी है, तो असं मजीद रोटियां बनाने खाने तो खाने। तो बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो देख सकते हो प्रदेश के हालात ये ने, बाकी लव यू हो गया फिर। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी दूसरी रोटी बन चुकी है, और अभी इसको पकने देते हैं और इसको पका के जो है सालन वगैरह गर्म करते हैं, तैयार करते हैं सालन भी जो है, तो फिर रोटी छोटी खाते हैं। भाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जैसा कि देख सकते हैं हमारी रोटी की एक साइड पक चुकी है माशाल्लाह से, काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। अभी ये थोड़ी कच्ची है, तो अभी हम दूसरी साइड पकने देंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं हमारी रोटी की एक साइड पक चुकी है, दूसरी साइड है, तो अभी इसको हम फूलने देते हैं थोड़ा सा, तो हम बाद में देखेंगे इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको पकाएँगे अच्छे से। जी दोस्तों, सालन साडा गर्म हो रहा है, तो असला आंडे की गर्मी बहुत ज़्यादा, तो आंडे आते हैं ठंडे होंगे ने, इस करके वो ठंडे पा ले सालन के आंडे, तो मिक्स करके तो बनाने जबरदस्त किस्म का सालन, तो तुम खाने हर किस तरह बनता है। जब तुम देख सकते साडा सालन हल्की आंच से गर्म हो रहा है, एक्स्ट्रा घ्यो बिच थोड़ा पाया, तो खाने मजीद। तो जी गल, जिदा तुम देख सकते साडा सालन सालन रेडी हो चुका है, तो असं हूँ जरा अपना रोटी रोटी खाने पर वेखने, सो गए हैं रोटी शोटी खाए, तो हूँ जरा अस उठे हैं, तो अपने बॉयज के रूम में आए हैं, तो इतने भी काफ़ी ज़्यादा शुगर मिला करा इंशाल्लाह। तो हूँ असं अज की वीडियो इतने ही एंड कर रहे हैं,
ते होप के आज का व्लॉग तुहानू पसंद आएगा, काफ़ी दिन बाद व्लॉग बनाया तो पसंद आएगा। तो चलो फिर लाइक कमेंट तो चैनल सबसक्राइब करो, तो मिलने अभी अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज़।